भगवान है। अरे मैं उस विकृत मानसिकता का प्रतीक आपके सामने हूँ जिसकी आवाज 32 साल इस गूंगी बहरी दुनिया ने नहीं सुनी। मैं उस विकृत मानसिकता का शिकार हूँ जिसने कहा जो आपने देखा। मैंने अपनी जिंदगी के 22 साल मेरे कश्मीर में बिताए। आज मैं घर नहीं जा पाया हूँ उस विकृत मानसिकता के कारण, जहां मुझे बताया गया रिलीव सलीव या गिलीव, वो एक ऐसी विकृत मानसिकता थी जिसने कहा जब चिड़िया घोंसले से उड़ जाए, ध्यान रहे, जब चिड़िया घोंसले से उड़ जाए घोंसला जला दो ताकि वो वापस ना आ सके। ये ऐसी मानसिकता थी जिसे कहा गया आजादी भराए इस्लाम, जिसे कहा गया कश्मीर में अगर रहना है अल्लाहू अकबर कहना है। मैं वो इंसान हूँ, मैं उस समाज से आता हूँ जो आज आप लोगों से कहता हूँ कि विवेक जी, हमने वो जख्म अपने पास संजो के रखे, हमने वो जख्म आज तक अपने पास संजो के रखे, वो दंश जो काम विवेक जी ने किया, वो दंश हमारे शरीर से निकाले, वो जख्म खुले तब वो दंश की तीस आप देख रहे हैं आज के। लेकिन वो जख्म अभी भरे नहीं है जो विवेक जी ने कहा, वो जख्म तब भरेंगे जो आपने इस फिल्म से नहीं, इस कहानी से सुना समझा। वो कहानी आप बाहर जाके लोगों को बताएंगे और उसका सही मतलब लोगों को समझाएंगे, वो सही श्रद्धांजलि है हमारे लोगों को, हमारे समाज को। इस कहानी का एक पात्र मेरी बहन सुनंदा वशिष्ठ ने विवेक जी से या पल्लवी जी से साझा किया होगा। मैं उस स्थिति पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आप लोगों से सिर्फ इतनी ही विनती है, अब आप कश्मीर को जब देखें केवल बम बम बोले करके सिर्फ आप अमरनाथ ना सिर्फ जाएं और ये ना पूछें कि भाई यहाँ का मूल निवासी है कहाँ, जिसने हजारों साल तक उस बम बम बोले को जिंदा रखा। आप उन लोगों से पूछिए कि वो हमारे भाई कहाँ गए, भगवान शिव के सही वंशज गए कहाँ, आप उनसे पूछिएगा जरूर। ये मेरी आपसे विनम्र विनती है। और विवेक जी, आप कहते हैं ना भगवान की, देयर इज वन लेसन इन दिस फिल्म विच सेज यू नेवर लूज होप, वी नेवर लॉस्ट होप फॉर 32 ईयर्स। वो अलग बात है, हमने चलाया हमारी आवाज़ किसी ने न सुनी। वो एक पहाड़ जो स्यूडो सेकुलर्स ने बनाया था जिसकी आवाज़ हमारी जिसके पार हमारी आवाज़ न पहुंची, ये एक वो जरिया था, वो एक होप थी, वो एक भगवान था जिसे कम से कम अपने बच्चों पर एक बार तो थोड़ी सी भगवान ने रहमत की कि कम से कम आज मैं अपने आप को या मेरा समाज अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता कि हमारी भी आवाज़ सुनने वाला था। बहुत पॉजिटिव बात है, वाह क्या बात।